डिजर्ट एंड द फेट टू रिजल्ट है, उसमें हमने पढ़ा था ग्रेट इंडियन डिजर्ट लोकेशन पढ़ा था उसका, सीमा के विलेज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो एडिंग है वो सीमा ट्रेवल टू हर आंट प्लेस, सीमा जो अपने आंट की ना जाती उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टुडे सीमा इज वेरी एक्साइटेड, सीमा बहुत एक्साइटेड है। शी अलॉन्ग्स विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू विजिट हर आंट हु लिव्स इन द नेबरिंग विलेज। तो सीमा जो है अपने आंट के घर जाना चाहती जो पड़ोसी गांव में रहती है। दे विल स्टार्ट अवर इन द डे आफ्टर द सन राइजेस बिकॉज द डे बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर्स। तो सुबह होने से पहले क्या करती है, वो लोग निकल जाते हैं जाने की, इसमें जब धूप हो जाती है तो समर का टाइम वहाँ बहुत ही गर्म होता है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे, इसलिए हॉट डे होता है और जो हवा भी चलती है वो भी बहुत ही गर्म होती है। हाउएवर द नाइट्स आर कूलर देन इन द समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है जो रात में होता है वहाँ ठंड हो जाता है मौसम। सी स्टिल रिमेम्बर्स द विंटर मंथ्स व्हेन द डेज वेर प्लीजेंट, जो विंटर्स मंथ आता है तो वहाँ मौसम जो होता है सुहाना हो जाता है, डे जो होता है। सी लव्स टू सिट अराउंड बॉन फायर इन द फ्रीजिंग कोल्ड विंटर नाइट, तो आग के सामने बैठना पसंद करते जब विंटर मौसम होता है ठंड के समय। सीमा मदर्स इज मेकिंग बाजरा रोटी खेर सब्जी एंड सांगरी सब्जी, तो सीमा की माँ ने जो बनाई है वो बाजरा की रोटी बनाई है और खेर की सब्जी बनाई है और सांगरी की सब्जी बनाई है। फ्रॉम द ड्राई पॉड्स ऑफ खेजरी ट्री, तो ये जो सूखी फली एक तरीके से पेड़ से तोड़कर उन्होंने बनाया है। विच ग्रो इन द फार्म जो उनके खेत में होते हैं। द ट्रीज ब्रेक द स्पीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिजर्ट विंड्स एंड सेव द क्रॉप्स एंड सॉइल, तो यहाँ जो पेड़ जो तेज हवा जो चलती है तो रेगिस्तान में जो पेड़ तेज रेगिस्तान हवाओं को गति को जो होता है क्या स्ट्रॉन्ग डिजर्ट विंड्स एंड सेव द क्रॉप्स एंड सॉइल, पेड़ जो तेज रेगिस्तान हवाओं की गति को क्या करते हैं रोकते हैं, इस तरह वो फसलों को बचाते हैं। हर फादर ऑफ्टन रेस्टेड अंडर दियर शेड विद हिज कैटल ही आल्सो कलेक्ट इट्स गम, उसके पिता अक्सर अपने मवेशियों के साथ क्या करते हैं वहां पे छांव में रहते हैं और जो उसके गम भी जो पेड़ के हैं उसको क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। सीमा गोज आउट टू कलेक्ट ट्विग्स ऑफ द थॉर्नी बबूल ट्री टू क्लीन टीथ, जो थॉर्नी बबूल होता है बबूल का जो पेड़ होता है उसका क्या करिए ट्विग्स डंडिया उसको तोड़ के लाती है उसे दांत साफ करने के लिए। नेक्स्ट हर फादर इज फीडिंग देयर कैमल्स हॉर्स एंड कैटल द खेजरी पॉट्स एंड बन वाली प्लांट्स, तो जो उसके फादर जो है कैमल जो मवेशी पालक है कैमल्स गोट्स कैटल को खिलाने के लिए खेजरी का जो पॉट्स होता है वो बन वाली चीज है, तो उसके जो क्या करते हैं प्लांट जो पत्तियां उसको क्या करते हैं खिलाते हैं। कैमल्स आर ईटिंग द थॉर्नी कैक्टस सो इजली, और कैमल जो वहाँ कैक्टस जो पेड़ होते हैं इजली आसानी से खा लेते हैं। सीमा लाइक्स टू ड्रिंक कैमल एंड गोट मिल्क, सीमा को क्या मिल्क जो पीना पसंद करते कैमल का गोट का। डिड यू नो में ड्यू टू हीट एंड लैक ऑफ वाटर मैनी एनिमल्स लाइक स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस इन द डिजर्ट आर स्मॉल एंड कम आउट ओनली एट नाइट, तो यहाँ पे जो ये एनिमल्स है स्नैक्स वगैरह है क्या है वो रात में निकलते हैं। सीमा दे ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द कुंड और एंड अंडरग्राउंड टैंक इन विच दे स्टोर रेन वाटर, तो क्या सीमा जो पानी लाती है वाटर ये कुंड है अंडरग्राउंड टैंक है विच दे स्टोर रेन वाटर, यहाँ जो है रेन का जो पानी है इकट्ठा होता है। दे डू नॉट यूज वाटर फ्रॉम द वेल एज द अंडरग्राउंड वाटर इन दिस हर विलेज इज साल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो जो यहाँ पानी जो वेल कुएं होता है वो अंडरग्राउंड होता निकालते बट वो साल्टी तो वो अनफिट होता मतलब पीने योग्य नहीं होता। देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डिजर्ट यहाँ बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल, पानी की यहाँ बहुत शॉर्टेज है और यहाँ बारिश बहुत कम होती, सो द विलेजर्स स्टोर रेन वाटर इन टैप्स और स्मॉल पॉन्ड्स एंड कुंड्स, तो जो रेन का पानी होता है वो लोग क्या करते हैं पॉन्ड वगैरह बनाकर इकट्ठा करते हैं। द सन इज अबाउट टू राइज एंड सीमा पेरेंट डू नॉट वॉन्ट टू गेट लेट, तो जैसे मतलब सन राइज होता है तो बहुत धूप हो जाती है तो कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत, इसलिए जो शैंड होते हैं वो जो देरी होती है बहुत गर्म हो जाती है, तो सन निकलने से पहले वो क्या करते हैं चले जाते हैं जहाँ उनको जाना रहता है। सीमा एंड हर मदर हरिडली ड्रेस अप इन द कलर्स ऑफ घाघरा चोली विद द ओनली ओवर दियर हेड, सीमा की माँ हरबड़ी भी क्या करती है उन लोग कलरफुल जो है घाघरा चोली पहनती है और जो ओढ़नी होती है उसको लेती है। और हर फादर इज लुकिंग गुड इन हिज लूज धोती शॉर्ट कुर्ता एंड ब्राइट टर्बन टू सेव हिम फ्रॉम द हीट, और उसके जो फादर हैं वो क्या पहनते हैं धोती कुर्ता
और ब्राइट कलर का जो फन पगड़ी है उसको पहनते हैं धूप से बचने के लिए। ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स हेल्प पीपल टू गेट नोटिस फ्रॉम अ फेयर इन द ब्राउन डेजर्ट। उज्ज्वल और रंगीन जो कपड़े हैं लोगों को भूरे जो रेगिस्तान में दूर से ही देखने में मदद मिलती है। कोई आ रहा तो पूरा रेगिस्तान बारिश होता है एक हिल की तरह बना रहता है, अगर दूर से देखे तो रंगीन कपड़े पहने थे तो वो दिखाई देते, इसलिए वो लोग इस तरह कपड़े पहनते हैं। कलरफुल क्लोथ आल्सो ब्रिंग ब्राइटनेस अगेंस्ट द ब्राउन सैंडी बैकग्राउंड। तो जो कलरफुल रंगीन कपड़े हैं वो क्या करते हैं इस तरह की जो भूमि मतलब रेगिस्तान है वहाँ चमकते हैं। सून दे सेट आउट ऑन दियर जर्नी ऑन दियर कैमल। जल्दी वे अपने ऊंट पर यात्रा करने निकल पड़ते हैं। मैनी विलेजर्स ट्रेवल बाय बस बट सीमा फैमिली एंजॉय ट्रेवलिंग ऑन कैमल। तो बहुत से लोग वहाँ काफी जो बस से यात्रा करते हैं पर जो सीमा फैमिली है वो कैमल पे यात्रा करना पसंद करती है। ए कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट एज इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड इन द डेजर्ट। तो जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है और यहाँ पे लोग जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए क्या करते हैं कैमल को यूज करते हैं। विद द पैडल फीट द कैमल कैन इजीली वॉक ऑन द सैंडी एरिया। इसलिए जो कैमल का पैर होता है वो गद्देदार होता है और जो सैंडी पे चलने के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो वो लोग बालू में चल लेते हैं आराम से। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैनी डेज और बहुत दिन तक बिना पानी के रह भी जाते हैं और ट्रेवलिंग भी करते हैं। ऑन द वे हर आर्ट विलेजेस सीमा मैन ट्रेवल टेकिंग रेस्ट अंडर द सैंडी ट्रीज अराउंड एंड ओसिस। सीमा ने देखा कि जो उनके विलेजेस आंट के जो गांव के हैं तो वहाँ जो ट्रेवलिंग होते हैं रेस्टेड करते हैं जो ओसिस मतलब जो रेगिस्तान बालू का जो है बना हुआ रेगिस्तान तो बीच में एक क्या है नदी टाइप का जो अंडरग्राउंड पानी उसमें इकट्ठा होता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं रेस्ट करते जो यात्री होते हैं वहाँ पे वो लोग रेस्ट करते हैं। फिगर देखिए 11 में दिया हुआ है ये पेड़ बना हुआ ये पानी है यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ पे रेस्ट करते हैं। डियर कैमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर एट द ओसिस जो कैमल है वहाँ पे पानी पीते हैं एंड ओसिस इज एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस पे जो डेजर्ट होते हैं जो रेगिस्तान का जो बालू तो वहाँ इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ये पानी होता है और ये अंडरग्राउंड मतलब पानी अपने आप सरफेस पर आता है। फाइनली सीमा सा हर आंट विलेज अंत में सीमा को अपने जो आंट का विलेज दिखने लगता है। द हाउसेस हैड रूफ कवर्ड विद द स्ट्रा जो उनका घर है जो रूफ छत है वो क्या इस तरह से ढके हुए थिक मड है वॉल्स है मोटी मोटी मिट्टी की दीवार है स्मॉल विंडो छोटी खिड़की टू कीप देम कूलिंग द स्टीमिंग हीट ऑफ द डेजर्ट। तो आपको पता है कि डेजर्ट में जो मौसम है तो बहुत गर्म होते हैं इस तरीके जो घर बनते हैं वहाँ पे वो कूल और ठंडे होते हैं देखिए घर बने हुए हैं ठीक है चलो इस तरीके से रेगिस्तान में है मड के घर बने होते हैं ताकि ये गर्मी में क्या करे ठंड रहे। तो बाकी बच्चों आप मैं लिस्ट आई थर्ड को भी इसी कंप्लीट कर दीजिए बच्चों लिस्ट आई थर्ड को भी मैं इसी में कंप्लीट कर देती हूँ और इसको लिस्ट आई जो भी जितने आएंगे हम चैप्टर के साथ ही लेकर चलेंगे। तो लिस्ट आई थर्ड मुझे क्वेश्चन आंसर आंसर दिस द क्वेश्चन इन योर नोटबुक क्या है उसको तो आपको अपनी कॉपी में लिखना मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन से नीता डज नॉट लाइकली लाइक एक्सट्रीमली हॉट वेदर सी इज प्लानिंग टू विजिट द थर्ड डिजिट इन विच सीजन शुड द विजिट द थर्ड डिजिट गिव डिजिट। तो कह रही कि वो जो हॉट वेदर में जाना नहीं पसंद करती है तो सी इज प्लानिंग करती है विजिट थर्ड डिजिट के लिए तो किस सीजन में तो नीता शुड विजिट थर्ड डिजिट इन विंटर्स। तो वो जो नीता है वो थर्ड डिजिट जाती है घूमने के लिए कब जाएगी ठंडी हो जाएगी विंटर व्हेन इट इज अ प्लीजेंट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। तो ऐसे मौसम में क्या होगा जो मौसम होगा ठंडे होंगे। राइट टू वे इन विच ईच ऑफ दीज आर यूजफुल टू द पीपल ऑफ द थर्ड डिजिट। तो प्लांट और कैमल के बारे में बताने प्लांट दे आर यूज एज फॉडर फॉर एनिमल्स सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज एज फूड बाय द पीपल ऑफ द डेजर्ट। कैमल के लिए इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट के लिए इट गिव्स एयर। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया बाकी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कुछ भी नहीं समझ आता तो जरूर आप पूछिएगा।